पत्रकार को कि पूछ फाड़ देंगे। ये पूछ है और हम पाड़ के दिखाएंगे, हम पाड़ के दिखाएंगे पूछ कैसे पाड़ी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और लाइव तस्वीरें आपको पानीपत के फ्लाईओवर के नीचे से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले करनाल के अंदर रामदेव के द्वारा एक प्रोग्राम में पत्रकारों के सवाल बताते हुए उनका जवाब देते हुए उनसे बदतमीजी की गई थी, और जिसके विरोध में आज पानीपत के अंदर तमाम जो पत्रकार हैं वो रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि आप लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करें। पत्रकार का सवाल था पेट्रोल, जी हां, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के भाव को लेकर के, क्योंकि लगातार पिछले 15 दिनों में 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ चुके हैं, और जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस वक्त बाबा रामदेव महंगाई के ऊपर तमाम सरकार को घेरने की कोशिश करते थे, आवाज उठाते थे, तो अब जब बीजेपी की सरकार आई है, ब्रांड एम्बेसडर है वो बीजेपी के, और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने का ठेका ले रखा है तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए। और इसके अलावा रामदेव ने ये तक कहा था कि आप ऐसे ऐसे सवाल जो पूछ रहे हैं इससे आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे। रामदेव के घना ला रहा भाई, तू तो पत्रकारों से सवाल जवाब हैं वो उस दिन उनके साथ बदतमीजी की गई थी, और यहां पर ज्ञापन बताया जा रहा है कि ज्ञापन सौंपा जाएगा, सवाल पूछेंगे। यार देख तो लिया, तमाम लोगों से अपील है कि इन तस्वीरों का आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि महंगाई के, जब बार बार कांग्रेस के वक्त में महंगाई, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, तो उस वक्त रामदेव बढ़ चढ़ करके सरकार के खिलाफ बोलते थे। मदन जी, आप प्रदर्शन कर रहे हैं कैसे? देखिए अभी हम आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि बाबा रामदेव ने जो बदसलूकी की है हमारे करनाल के पत्रकार के साथ वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योग गुरु ने योग को जरूर फैलाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्रकार का सवाल पूछने का हक भूल जाए, क्योंकि संविधान ने हमें हक दिया है, चौथा स्तंभ है, और इसलिए पत्रकार हर तरह का सवाल पूछेगा। और बाबा रामदेव को ये पता लगना चाहिए कि पत्रकार साधन नहीं है, वो माफी मांगेंगे तब जाकर इसका निवारण होगा। देश में लाला है। सलीम जी, ये बताइए, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस वक्त महंगाई के खिलाफ खूब बोलते थे रामदेव, अब जब बढ़ते हुए पेट्रोल पिछले 15 दिन में 13 बार बढ़ चुके हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। उन्होंने हालांकि बदतमीजी, ठेकेदार, तमाम तरह की बातें कही, लेकिन उससे खतरनाक और एक गलत बात ये कही कि आप ऐसे सवाल हमसे पूछ रहे हैं, इससे ये पता चलता कि आपके अंदर कैसे माँ बाप का संस्कार है, यानी खून पे ही सवाल उठा दिया उसने। जो लाला रामदेव है, आज वो एक बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं, आज वो चारों तरफ से उनका पेट भर चुका है, जनता के लिए बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जिस भी चैनल पे अपनी वो बैठ देते हैं वो इसी तरह से
कोई जो एंटी सवाल होता है, जो पब्लिक के लेवल का सवाल होता है, वो उनसे ऐसा ही व्यवहार करते हैं। और गद्दीरो जो करनाल में एक पत्रकार साथी ने आम जनता से रिलेटेड जो सवाल किया, वो एक जायज सवाल था। उस सवाल का जवाब देते हुए आप देखिए उसने कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जो असहनीय है। इसलिए आज पूरे देश के पत्रकारों में लाला रामदेव के खिलाफ रोष है। आज ये प्रदर्शन पानीपत में है, आगे आप देखिए ये प्रदर्शन करनाल में भी होगा, रोहतक में भी होगा और दिल्ली में भी होगा। पूरे देश में इस लाला रामदेव को माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक ये माफी नहीं मांगेगा ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। जी भाई जी, अनिल जी आप बताइए कि आप लाला रामदेव के नारे लगा रहे हो, बाबा रामदेव है वो, तो वो लाला ही है, लाला है, बिजनेसमैन आदमी है, वो बाबा कहाँ से हो गया? वो योग करवाता तो फिर भी वो बाबा नहीं है, वो तो अपने प्रोडक्ट बेचता है, पूरी मार्केटिंग करता है, पूरे देश का फुद्दू बना रखा है इसने। और जो पत्रकारों के साथ बदतमीजी करी है वो अपने आप को क्या समझता है बाबा? तो देख पा रहे हैं कि तमाम पत्रकार एक साथ नजर आ रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन रामदेव के खिलाफ जारी है। और यहां पर आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। आप लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करें। ये बताइए बाबा रामदेव है वो, तो आप लाला रामदेव कह रहे हैं? बाबा रामदेव नहीं, डोंगी है वो, किसी भी रूम में आ जाता है, कभी औरत बनता है, कभी कुछ बनता है। ये कोई लाला है, ये बनिया है, ठग है। पहले ट्रस्ट बना के लोगों को ठगा है कि ट्रस्टी बना के उसमें 5-5 लाख 10-10 लाख लोग ठग बनाए। और अब ये पूरा का पूरा गिरोह हो चुका है, ये जो ये ठगी का गिरोह है। इसलिए मतलब बाबा रामदेव नहीं है, ये ठग है, ये ठग। कांग्रेस की सरकार होती थी खुल के बोलते थे महंगाई के खिलाफ तमाम चीजों पर, वो यही देश की विडंबना है। हमारे पत्रकार साथी सवाल करते हैं तो उसके ऊपर वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो पत्रकार को इतना डराने की कोशिश की गई, आज वो अपने घर से नहीं निकल पा रहा। तो हम लाला रामदेव को एक बात जरूर कहेंगे, लाला रामदेव तेरे उल्टे दिन चल गए हैं। जब पत्रकार विद्रोह पे आते हैं तो ऐसा ही जुलूस निकलता है। हम आपको चढ़ा सकते हैं, हम आपको मिट्टी में भी मिला सकते हैं। और आज ये जो आग पानीपत से शुरू हुई है ये पूरे देश में जाएगी, पूरे देश के पत्रकार जागेंगे और आपका पुतला क्या आपकी पूछ पे पैर भी रखेंगे। तो देख पा रहे कि तमाम पत्रकार हैं जो पानीपत के, वो सभी तमाम सोशल मीडिया की बात करें, अखबारों के पत्रकारों की बात करें, चैनल्स के पत्रकारों की बात करें, वो सभी लोग रामदेव का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञापन सौंपा जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं पत्रकारों को समर्थन देने आई हूं, क्योंकि इस गंदे से बाबा ने, डेड कारिया ने जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है, हम उसके विरोध में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का हमारे साथ इन तस्वीरों को शेयर करते रहे। क्या ये बाबा जिनको कहा जाता है कि बाबा रामदेव है, कोई लाला रामदेव बता रहे हैं, क्या इस तरह का रवैया एक पत्रकार के सवाल का जवाब देने का वो बनता था? कैसे आप इसको सोचते हैं वो तस्वीरों के माध्यम से जरूर साझा करें। पुतला जो दहन है वो रामदेव का किया जाएगा। देख पा रहे हैं कि आज पत्रकारों के साथ भी इस तरह से बदतमीजी और बदसलूकी की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। आप लोगों से, तमाम लोगों से यह अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करें। ज्ञापन जो है बताया जा रहा है कि सौंपा जाएगा।
बता रहे हैं कि पूछ पाड़ने की बात से, ये पूछ पाड़ने की बात रामदेव के द्वारा की गई थी कि पूछ पाड़ेगा। पत्रकार कह रहे कि आज पूछ पाड़ के दिखाएंगे हम। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लाला रामदेव मुर्दाबाद। रामदेव, रामदेव ने कही थी पत्रकार को कि पूछ पाड़ देंगे, ये है पूछ, ये पूछ है और हम पाड़ के दिखाएंगे, हम पाड़ के दिखाएंगे पूछ कैसे पाड़ी जाती है। वो अपनी मर्यादा को भूल गया था और ये है उसकी पूछ। देख पा रहे हैं कि पूछ पाड़ने की बात कही जा रही थी पत्रकार, पूछ पाड़ने की बात कही जा रही थी पूछ।